कानपुर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है। जब ये आग लगी तब कोचिंग में क्लासेस चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। ये कोचिंग शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है। आग लगने की खबर पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को तत्काल दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। कोचिंग में फंसे 20 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। यह हादसा ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में हुआ है। शहर के बर्रा के सचान चौराहे पर यह कोचिंग सेंटर चल रहा था। 3 मंजिला इमारत में कोचिंग को चलाया जा रहा था। इस बिल्डिंग में कई निजी संस्थाओं के दफ्तर भी चल रहे थे। आग लगने से आसमान में धुआं का गुबार उठता हुआ दिखा। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। दमकल की लगभग आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। वहीं कानपुर के डीएम ने बताया कि बिल्डिंग के बेसमेंट में कूड़े का ढेर लगा था, उसी में आग लगी थी। जो बिल्डिंग है इसके बेसमेंट में जो कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ था, शायद उसमें किसी वजह से जो आग लग गई है उसकी हम जानकारी कर रहे हैं कैसे आग लगी। बट ऊपर 3 फ्लोर थे, एक में बीच में हॉस्पिटल, एक में ऑफिस और ऊपर एक कोचिंग था। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जो ऊपर भी थे। किसी प्रकार से किसी को कोई चोट नहीं है। मैं खुद ऊपर जाके कोचिंग और सारी चीजें देख के आया हूँ अभी, तो कोई अभी दिक्कत नहीं। आग पर भी काबू कर लिया गया। अभी तक कोई जो हम लोगों ने सभी को निकाला, किसी प्रकार की कोई इंजरी किसी को नहीं है। देखिए आग जैसे मैंने बताया बेसमेंट में भी लगी थी, बेसमेंट की वजह से धुआं ऊपर गया था। ऊपर किसी प्रकार की आग भी नहीं है, तो धुएं की वजह से जो लोग थे वो सभी को निकाल भी लिया गया। कितने बच्चे ऊपर से नीचे लाए गए? देखिए टोटल जो बता रहे 25 लोग थे, 10 तो पहले ही निकल गए थे। 15 लोगों को हम लोगों ने, हमारी टीम ने, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मेहनत करके सभी को सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपरी फ्लोर पर कोचिंग चल रही थी। बच्चों को कोचिंग से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी लगाई गई है। इसके जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। असल में हम लोग एनडीए की कोचिंग ले रहे थे। हम लोग का सेकंड पीरियड इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो अचानक मिड सेशन में मैथ सर आए। वो बोलने लगे कि बच्चों आग लग गई है तो आप लोग बाहर निकलिए। तो हम लोग जैसे ही धीमे धीमे करने लगे तो सारे बैग हम लोग सब वहीं छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की। तो आधे जो स्टूडेंट्स टीचर्स निकल गए थे, बाकी हम लोग मैथ्स टीचर्स और हम लोग 14-15 स्टूडेंट्स अंदर ही फंस गए थे। तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आग का धुआं इतना ज़्यादा फैल गया था, हम निकल नहीं पा रहे थे। ऊपर भी जा नहीं जा पा नीचे पे, तो हम लोग दोनों डोर को बंद कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहीं फंस गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड से बाहर निकाले गए। हम लोगों को नहीं पता, हमारी क्लास चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे। एकदम से हमारे मैथ्स के टीचर आके बोलते हैं कि बच्चों आग लग गई है, जिसकी जिसकी गाड़ी खड़ी नीचे जाओ जल्दी से। तो हम लोग बिना बैग उठा के बस भागने लगे। जैसे ही नीचे आए, नीचे बिल्कुल निकलने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा स्मोक था। लोग नाक बंद करके भागते हुए आधे बच्चे चले आए, कुछ बच्चे ऊपर रह गए, वैसे बैग वैग संभाल रहे थे इसलिए जल्दी आ नहीं पाए। तो 14-15 बच्चे और एक सर हमारे वहीं पर रह गए क्लास में ही। फिर वो लोग बंद हो गए, हम लोग पीछे के रास्ते से गए, काफ़ी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लोहे का दरवाज़ा था। उन्होंने बहुत कोशिश की तोड़ने की पर कोई भी निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर ये सीढ़ी लगा के उन लोगों को निकलवाया गया। हाँ, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग का हर फ्लोर किराए पर उठाया गया है और बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है। अवैध बिल्डिंग विवेक सचान की बताई जा रही है और इस घटना के बाद केडीए की लापरवाही भी सामने आ गई है।